एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, CPMG का पूरा नाम क्या है, यानी CPMG की फुल फॉर्म क्या है। तो जो CPMG की फुल फॉर्म है वो है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, सी फॉर चीफ, PM फॉर पोस्ट मास्टर, जी फॉर जनरल, यानी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। क्वेश्चन नंबर 2, PMG का पूरा नाम क्या है। PMG की फुल फॉर्म है वो है पोस्ट मास्टर जनरल, PM फॉर पोस्ट मास्टर, जी फॉर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल। क्वेश्चन नंबर 3, RPMG का पूरा नाम क्या है, RPMG की फुल फॉर्म क्या है। RPMG की फुल फॉर्म है रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल, क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल, R फॉर रीजनल, PM फॉर पोस्ट मास्टर, जी फॉर जनरल। क्वेश्चन नंबर 4, RMS का पूरा नाम क्या है, RMS की फुल फॉर्म क्या है। RMS की फुल फॉर्म है रेलवे मेल सर्विस, R फॉर रेलवे, M फॉर मेल, S फॉर सर्विस, रेलवे मेल सर्विस जिसे हिंदी में रेल डाक सेवा भी कहा जाता है। जो रेल डाक सेवा यानी RMS के जो हेड होते हैं वो RMS अधीक्षक होते हैं, जिन्हें RMS सुपरिटेंडेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मंडल स्तर पर संचालन कौन करता है, यानी जो डिवीजनल हेड कौन होता है ये पूछा गया है। तो जो डिवीजनल हेड होते हैं वो सुपरिटेंडेंट होते हैं, यानी अधीक्षक डाकघर होते हैं। पोस्टल डिवीजन में जो अधीक्षक होते हैं उन्हें अधीक्षक डाकघर कहा जाता है, और जो RMS में जो अधीक्षक होते हैं उन्हें RMS अधीक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिवीजन के अंतर्गत आने वाले सभी अधिकारी किसके अधीनस्थ होते हैं, यानी जो डिवीजन लेवल पर जो अधिकारी होते हैं वो किन के सब ऑर्डिनेट होते हैं, अधीनस्थ का मीन सब ऑर्डिनेट यानी किन के अंडर में आते हैं। तो जितने भी डिवीजन के अंदर अंतर्गत आने वाले जो अधिकारी हैं वो डाक अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट के अधीनस्थ होते हैं, और इनमें आते हैं वो है ASP और IP होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, मेल ओवरसियर होते हैं, कैश ओवरसियर होते हैं, और जितने भी अन्य अधिकारी हैं डिवीज़न में वो सभी सुपरिटेंडेंट यानी डाक अधीक्षक के अधीनस्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अधीक्षक डाकघर किन के अधीनस्थ होते हैं, यानी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होती है SP साहब होते हैं वो किन के सबॉर्डिनेट होते हैं, वो किन के अंतर्गत आते हैं। तो जो सर्कल प्रमुख होते हैं उनके अधीनस्थ अधीक्षक डाकघर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधान डाकघर के प्रभारी कौन होते हैं, यानी जो हेड ऑफिस होती है वो हेड ऑफिस के इंचार्ज ऑफिसर कौन होते हैं, प्रभारी अधिकारी कौन होते हैं। तो जो प्रधान डाकघर है, हेड ऑफिस है, उनके जो प्रभारी अधिकारी होते हैं वो होते हैं हेड पोस्ट मास्टर यानी प्रधान पोस्ट मास्टर। क्वेश्चन नंबर 9, VSAT स्टेशन का पूरा नाम क्या है, VSAT स्टेशन की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो जो VSAT स्टेशन की फुल फॉर्म है वो है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल स्टेशन, V फॉर वेरी, S फॉर स्मॉल, A फॉर अपर्चर, T फॉर टर्मिनल, यानी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल स्टेशन VSAT की फुल फॉर्म है। ESMO का पूरा नाम क्या है, ESMO की फुल फॉर्म पूछी गई है। ESMO की फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड सेटेलाइट मनी ऑर्डर, E फॉर एक्सटेंडेड, S फॉर सेटेलाइट, M फॉर मनी, O फॉर ऑर्डर, यानी एक्सटेंडेड सेटेलाइट मनी ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 11, GPO का पूरा नाम क्या है, GPO की फुल फॉर्म क्या है। जो GPO है उसकी फुल फॉर्म है जनरल पोस्ट ऑफिस, यानी जो सर्कल प्रमुख, सर्कल के जो हेड क्वार्टर होते हैं, जो सर्कल के जो हेड क्वार्टर होते हैं उन पर जितने भी फर्स्ट क्लास की जो हेड ऑफिस होती है, प्रथम श्रेणी के जितने भी HO होते हैं, और ऐसी HO जो सर्कल के मुख्यालय से जुड़ी होती है उन्हें जनरल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। और अभी वर्तमान भारत में 24 GPO हैं और 23 सर्कल हैं, और जो दिल्ली है उसमें 2 GPO हैं, एक तो है नई दिल्ली GPO के नाम से,
और एक है दिल्ली जीपीओ के नाम से। इस प्रकार से पूरे भारत में, वर्तमान भारत में 24 जीपीओ हैं, जनरल पोस्ट ऑफिस है, और जो सर्किल हैं, जो परमंडल हैं, वो है 23। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान भारत में कितने जीपीओ हैं, कितने जनरल पोस्ट ऑफिस हैं? तो वर्तमान भारत में 24 जीपीओ है। क्वेश्चन नंबर 13, उप डाकघर के प्रभारी कौन होते हैं, यानी जो सब ऑफिस होती है, सब पोस्ट ऑफिस होती है, उनके जो इंचार्ज ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं? तो जो उप डाकघर होते हैं, सब पोस्ट ऑफिस होती है, उनके जो प्रभारी अधिकारी होते हैं वो उप डाकपाल होते हैं, यानी सब पोस्ट मास्टर होते हैं, जिन्हें शॉर्ट में SPM भी कहा जाता है, सब पोस्ट मास्टर SPM उप डाकपाल। क्वेश्चन नंबर 14, शाखा डाकघर के प्रभारी कौन होते हैं, यानी जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होती है, उनके जो इंचार्ज ऑफिसर होते हैं वो प्रभारी अधिकारी कौन होते हैं? तो जो शाखा डाकघर होते हैं उनके प्रभारी अधिकारी होते हैं शाखा डाकपाल, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर, शाखा डाकपाल। क्वेश्चन नंबर 15, डाकघर कितने प्रकार के होते हैं? तो डाकघर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है हेड ऑफिस, जिनके प्रभारी अधिकारी होते हैं हेड पोस्ट मास्टर, प्रधान पोस्ट मास्टर होते हैं। दूसरा टाइप होता है, वो होता है सब ऑफिस, जिनके इंचार्ज अधिकारी होते हैं वो होते हैं उप डाकपाल, उप डाकपाल। और जो तीसरा टाइप होता है वो होता है ब्रांच ऑफिस, उनके जो प्रभारी अधिकारी होते हैं वो होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी शाखा डाकपाल। क्वेश्चन नंबर 16, TMO का पूरा नाम क्या है, TMO के फुल फॉर्म क्या है? TMO के फुल फॉर्म है, वो है ट्रांजिट मेल ऑफिस। ट्रांजिट को हिंदी में पारगमन या पार वाहन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांजिट मेल ऑफिस के प्रभारी कौन होते हैं, यानी जो TMO होती है उनके इंचार्ज ऑफिसर कौन होते हैं? तो जो TMO होते हैं उनके प्रभारी होते हैं वो होते हैं मेल गार्ड या मेल एजेंट। क्वेश्चन नंबर 18, कुछ शहरों में TMO यानी ट्रांजिट मेल ऑफिस का काम कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, तो ऐसी ऑफिसों को क्या कहा जाता है? तो ऐसी ऑफिसों को कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस कहा जाता है, यानी ऐसी ऑफिसों में जो TMO का काम है वो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कुछ शहरों में जहां डाक छटाई का कार्य ज़्यादा होता है, वर्कलोड हैवी होता है, वहां पर मशीनों की सहायता से काम किया जाता है, ऐसे केंद्रों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे केंद्रों को ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, CRC का पूरा नाम क्या है? तो CRC का पूरा नाम है, वो है कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर। सी फॉर कंप्यूटराइज, आर फॉर रजिस्ट्रेशन और सी फॉर सेंटर। तो CRC क्या होते हैं? CRC होते हैं कि मेल ऑफिस की पंजीकरण शाखा होती है, जिसमें पंजीकरण का जो काम होता है वो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, CBU या KBU का पूरा नाम क्या है? तो CBU या KBU की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो CBU की फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल बैगिंग यूनिट, और जो KBU होता है उसकी फुल फॉर्म होती है केंद्रीय बैगिंग यूनिट, यानी जो KBO और CBO है वो एक ही होते हैं, और इन्हें C फॉर सेंट्रल, B फॉर बैगिंग और U फॉर यूनिट, K फॉर केंद्रीय, B फॉर बैगिंग और U फॉर यूनिट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, RLO का पूरा नाम क्या है? RLO का पूरा नाम है, वो है रिटर्न लेटर ऑफिस। ये क्वेश्चन पिछले साल MTS के पेपर में भी पूछा गया था कि RLO की फुल फॉर्म क्या है, तो RLO की फुल फॉर्म है वो है रिटर्न लेटर ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 23, मेल ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं? मेल ऑफिस 2 प्रकार के होते हैं, एक शॉर्टिंग मेल ऑफिस और दूसरा होता है, वो होता है ट्रांजिट मेल ऑफिस। शॉर्टिंग मेल ऑफिस को हिंदी में छटाई मेल ऑफिस कहा जाता है, और ट्रांजिट को पारगमन या पार वहन मेल ऑफिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, CMO का पूरा नाम क्या है? CMO का फुल फॉर्म है कॉरपोरेट मेल ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 25, MMC का पूरा नाम क्या है? MMC का पूरा नाम है मास मेल सेंटर। मास मेल सेंटर में अगर कोई व्यक्ति या फर्म जो नंबर ऑफ आर्टिकल ज़्यादा पोस्ट करते हैं, जो एक दिन में कई आर्टिकल्स को पोस्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों से और ऐसे ग्राहकों से पोस्ट ऑफिस जो MMC होती है, मास मेल सेंटर होता है, इनसे इनके जो सर्कुलर है या जो इनके लिफाफे हैं
उन सभी को लेकर के मास मेल सेंटर में जो लोग काम करते हैं वो इनके सर्कुलर में लिफाफे को डाल करके उनको पेस्ट करते हैं, चिपकाते हैं। जो लिफाफे इनके सही ढंग से नहीं होते, लूज़ लेटर्स होते हैं, उनको सही ढंग से चिपका के, और अगर किसी डाक पर पोस्टेज भी नहीं चिपकी होती है तो उस पर ये पोस्टों पे चिपकाने का भी काम करते हैं। और जो एजेंसी होता है उसमें जो काम करते हैं वो या तो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर हाउसवाइफ होती है, गृहणियाँ होती हैं, या फिर जो पेंशनर होते हैं, जो लोग रिटायर हो जाते हैं फिर भी काम करना चाहते हैं, पेंशनर होते हैं। और इन लोगों को जितना काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग पेमेंट दिया जाता है, यानी जितने घंटे ये लोग काम करेंगे उतना ही पेमेंट दिया जाता है। और जो ये सारा खर्च है वो जो कस्टमर होते हैं, जो लोग डाक को भेजते हैं बल्क में, वही लोग इस खर्चे को पूरा मास मेल सेंटर के खर्चे को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, PSO का पूरा नाम क्या है? PSO का पूरा नाम है प्रेस छटाई, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, PSO, P फॉर प्रेस, S फॉर सॉर्टिंग और O फॉर ऑफिस। तो जो PSO होता है उसमें न्यूज़पेपर या अखबार संबंधी जो सॉर्टिंग का काम होता है वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, रिकॉर्ड ऑफिस के प्रभारी को क्या कहा जाता है? यानी जो रिकॉर्ड ऑफिस होता है उसके इंचार्ज अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो वो होते हैं रिकॉर्ड ऑफिसर, रिकॉर्ड ऑफिसर या अभिलेख। रिकॉर्ड को हिंदी में अभिलेख कहा जाता है, तो अभिलेख अधिकारी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हेड रिकॉर्ड ऑफिस के प्रभारी को क्या कहा जाता है? तो हेड रिकॉर्ड ऑफिस के जो प्रभारी होते हैं वो हेड रिकॉर्ड ऑफिसर ही कहा जाता है, HRO को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, सब रिकॉर्ड ऑफिस के प्रभारी को क्या कहा जाता है? तो सब रिकॉर्ड ऑफिस के प्रभारी को सब रिकॉर्ड ऑफिसर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, एक रिकॉर्ड ऑफिसर, उप रिकॉर्ड ऑफिसर यानी सब रिकॉर्ड ऑफिसर होता है वो कौन कौन से काम कर सकता है? तो वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम कर सकता है, वो सब सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम कर सकता है, और वो मेल एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है। यानी वो अगर कोई उप रिकॉर्ड ऑफिसर है वो इन तीनों के रूप में भी काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, UBO की फुल फॉर्म क्या है? UBO का पूरा नाम क्या है? UBO का पूरा नाम है वो है यूनिट बैक ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 32, DBO का पूरा नाम क्या है? DBO की फुल फॉर्म है वो है डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 33, CBO का पूरा नाम क्या है? तो CBO की फुल फॉर्म है वो है सर्किल बैक ऑफिस, C फॉर सर्किल, P फॉर बैक, O फॉर ऑफिस।